किससे तो किससे पूछ आपने इमाम हक आप हाँ, दे। देखे ये वाली बात तो नहीं होती कि निकाह पढ़ा दें या प्रपोज ही मे, कर मेरी दिया। मेरी मेरी लेकिन हाँ ये वाली आवाजें आ जाती हैं या ये वाली होती है की कहना गेटो नंबर ये वाली बहुत मुझे याद है दिया तूने कि नहीं दिया मैं बता देता अगर मैंने लेकिन I'm नहीं दिया <laughs> एक एक दफा क्या हुआ अगर आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप पे हम पे बड़ा क्रिटिसिज्म मुझे याद है दो हजार 2019 के वर्ल्ड कप में वो जो एक हम शीशा की एक पिक्चर आ गई थी उसकी वजह से हमें क्रिटिसिज्म का भी सामना और वो हुआ तो और हम एक वो मोमेंट आके अपने वीडियो लगाई थी बर्गर खाते हुए अब किसी को शायद नहीं पता कि वो बर्गर जो है हम खा नहीं रहे थे लेने गए थे मैं और हसन अली अजहर महमूद की बेटियां थी तो हम वो ले गए थे मगर उस वक्त वो बस क्रिटिसिज्म था वो आ गया अब क्या किया जो ऑडियंस ने ना जो ऑडियंस कह रहा हूँ जो क्राउड ने क्योंकि उस वक्त हम जूनियर थे तो हम पीछे ना फील्डिंग करते थे, थे ना जैसे दस ओवर होते थे तो पीछे तो मैच चल रहा था तो ना एक लड़की थी तो वो ना बर्गर बिस्किट्स और चाय का चाय के डब्बे ना तो वो मुझे ना इशारा किया कि वैसे ही तुम लोगों को खाने का बहुत शिक्षा ना आओ मैं बिस्किट खिलाऊं आओ मैं रही थे। 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 खाने वाली थी और उसने प्रॉपर लेके आई वो बिस्किट और मैं गया खाने तो मैं फील्डिंग क्योंकि साउथ अफ्रीका से मैच था हम जीत रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ ये बिस्किट खाएं तो वो ऐसी भी कुछ फनी चीज़ें भी हुई हैं और हाँ ये बहुत मेरे ख्याल से अब कॉमन है कि ये आपको ऐसी आवाज़ें लगा नंबर नंबर लगना तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है लेकिन ये आप अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह हैंडल करते हैं भाई कभी था? आपको किसी ने आवाज़ लगाई हो शहजाद आप मुझे बहुत प्यारे लगते मेरी जिंदगी के बाबर बन जाए ऐसा कभी किसी ने <laughs> 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 मेरी जिंदगी के किंग <laughs> ऐसा कहा किसी ने नहीं बस नॉर्मली जिस तरह इमाम ने बताया कुछ ऐसा ही है बस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अच्छा आपने कभी पलट के कभी जवाब दिया, हाँ, <laughs> अच्छा, दिया मेरा है हारिस है जिसको ना गुस्सा जाता है, बहुत अच्छा। हाँ, वो एग्रेसिव है। जैसे हफीज भाई मुझे याद है साउथ अफ्रीका में फील्डिंग कर रहे थे ना तो हफीज भाई बाउंड्री पे फील्डिंग रहे तो बहुत ज्यादा ना क्राउड पीछे से नाक के अफीज भाई क्या होता है मैच में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बार बार तो हफीज भाई यार सैफी कप्तान है तो कुछ लोग प्लेयर्स हैं जो इन्जॉय नहीं भी करते तो इसका दोनों पे डिपेंड करता है जैसे हैरी है मैंने अक्सर देखा है कि वो गुस्सा कर जाता है अगर पीछे से अगर कोई आवाज आए ना तो वो फिर क्या हुआ क्या हुआ ऐसे ऐसे करके फिर वो बोलता है तो ये सबका अपना है लेकिन हमेशा मोस्टली 80 90 परसेंट प्लेयर्स जो है वो एन्जॉय करते।, करते, करते हैं और उनको जवाब भी और, देते और, हैं अच्छा, और अगर जवाब नहीं देते ना तो वो सामने देख के ना अपने दिल में जरूर दे देते इमरान भाई आप भी तो माशाल्लाह खूबसूरत हैं आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ किया दिलचस्प

क्या मना नहीं किया लड़के ने मैं क्या मुझे बताओ आप ऑप्शन है कबूल है सर, रख मेरी बात इसके लिए तो आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा वो ज्यादा जवाब आपको से... आप जिसके मैं चली जाऊंगी आप कैस कर उस पर मना नहीं किया ये नहीं कहा कि नहीं भाई नहीं

ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक सर।, 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 सर आपको भी सबको सब ऑडियंस को ईद मुबारक सर अच्छा सर सवाल मेरा ये है कि पीसीबी का ये फैसला करना कि आमिर और रमात की रिटायरमेंट वापस लेके उसको वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली टीम में शामिल करना सर ये क्या उनके लिए फैसला अच्छा था या बुरा था किसके लिए किसके सवाल है ये ये आप तीनों के लिए आप तीनों ख्याल में थोड़ा गलत डिसीजन आप कह सकते हैं इस चीज़ को क्योंकि जब एक इंसान रिटायरमेंट ले लेता ले है और उसके बाद कोई अराउंड को थ्री फोर ईयर्स के बाद वापस आए ख्याल से हाँ तो ये बड़ा एक लंबा गैप है तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि आपको नीचे जो प्रोडक्ट है आपकी जो नीचे प्लेयर्स है, हैं आई थिंक मेरे ख्याल में उनमें मोहम्मद आमिर अमाद वसीम जैसे प्लेयर्स बनाने चाहिए थे तो मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर ये आप गलत फ़ैसला कह सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेस बेटर हो सकता था अगर आपने इनको वापस लेके आना था तो आपने पहले डोमेस्टिक का चक्कर लगवाना था क्या वो कम हो जाता लेकिन ये जो मैसेज <coughs> ओवरऑल आपने दिया है ना अब्रप्टली आपने उनको जो रखा है ये एक मैसेज बाकी डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है जो बहुत मेहनत करते हैं और इस दफ़ा हमें ये बातें सुनने में मिली हैं क्योंकि हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो लोगों ने ये कहा है क्या फ़ायदा है हमारा क्रिकेट खेलने का कि जब सिलेक्शन इस तरह हो जानी है तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है डोमेस्टिक के प्लेयर को कल्चर को हिट करती है ठीक इमाम आ, देखें बिल्कुल दोनों ने जो बोला मैं उसी को सेकंड करूंगा कि प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था प्लस अगर आपको टीम में लगता है वाकई कि बहुत ज़्यादा आफत आ गई है कि आपको इतना वापस लेके आना पड़ रहा है तो फिर अभी जैसे मुझे ये वो चलो ले आए ज़रूरत थी जो भी था वो तो अभी एक दफ़ा आपने कर दिया लेकिन अब इसके बाद मुझे सुनने को मिला है कि वो वर्ल्ड कप के बाद दोबारा रिटायरमेंट ले रहे हैं तो मेरे लिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है कि आप एक दफ़ा वापस भी आ गए चार मैच के बाद अगर आप दोबारा रिटायरमेंट ले रहे हो तो वो मेरे लिए और एक मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए रूमर्स हाँ इट्स रूमर्स लेकिन मैंने कहा अगर ये सुनने को तो ये अच्छी चीज़ है अगर आप ये है कि आमिर जो है चैंपियंस ट्रॉफी

रिटायरमेंट नहीं ली है बस एक ही चीज़ है कि अगर टीम का एटमोसफेयर अच्छा है टीम में यू नो इक्वालिटी है तो कौन पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहता है सही अच्छा बात लेकिन ऐसे एटमोसफेयर में नहीं जहाँ इक्वालिटी नहीं अच्छा अहमद भाई अगर आपको सिलेक्शन कमेटी बोले कि यार हम आपको कंसिडर करेंगे डोमेस्टिक का एक चक्कर और लगा लें आप लगाएंगे जी बिल्कुल लगा लगा वेरी गुड वेरी नाइस एटीट्यूड इस के लिए क्योंकि मैंने आमिर और अहमा दोनों से पूछा था उन्होंने कहा यार हमें जब निकाला गया हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त भी ठीक थी अच्छा एक सवाल मेरा है इन दोनों से टाइम है थोड़ा प्लीज अच्छा जैसे मैंने जैसे जब ये इन पे कुछ लोगों ने ना काफ़ी क्रिटिज्म किया जब आमिर भाई और इमाद भाई वापस आए तो उनका जो मैंने जवाब मुझे पता चला उन्होंने कहा कि जो टी की सिलेक्शन है वो पी से होती है तो हम पी एस खेले हैं तो इसके बारे में आपको क्या लगता है जैसे हमने कहा मुझे भी लगता है डोमेस्टिक खेलनी चाहिए लेकिन उन्होंने कहा इज डोमेस्टिक वो कि जी हम पी एस एल खेले डोमेस्टिक तो है वन डे है फोर डे है या नेशनल टी ट्वेंटी लेकिन टी ट्वेंटी की जो टीम है वो पी एस एल से बनती है तो हम तो पी एस एल खेले तो इसका क्या क्या हो सकता है अब इसका सीधा सीधा इमाम जवाब ये है कि देखें कई लोग हैं जो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल से डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं और एट द सेम टाइम उनको जब ऑफर्स भी आती हैं वो अपनी डोमेस्टिक को इज़्ज़त देते हैं वो खेलते हैं और फिर कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि पी एस एल खेलना ज़्यादा ज़रूरी है हम पी एस एल खेल रहे हैं और वो लीग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो ये तो डिफरेंस आपको पता लग गया कि आ गया कि नहीं यार अब वो डोमेस्टिक को उस तरह इज़्ज़त नहीं दे रहे जितना देनी चाहिए थी अभी सिलेक्टर्स पे है ना ताबिश भाई उन्होंने किसी का गिरेबान पकड़ के तो नहीं कहा था ना हमें भी कहता हूं कि इमरान भाई को पता नहीं क्रिकेट क्यों छोड़ दिया ठीक किया लेकिन खेलनी चाहिए थी अच्छा इमरान भाई बात है सच बारह साल आप बाहर रहे क्रिकेट से आपने क्रिकेट छोड़ दिया क्रिकेट बोर्ड ने और क्रिकेट ने आपको छोड़ दिया यार ये एक थोड़ी लंबी डिबेत है इसमें मैं मेरा ख्याल है कि आज चले आ, अब मुझे यहां से शुरू करिएगा कि आप जब इंजर्ड हुए और मैं, मैं, बहुत मेजर मैं, 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 मैं भी, भी ने क्या किया टेक योर टाइम देखिए मैं जब पहले इंजरी मेरे साथ हुई और उस टाइम पे तो खैर वो कहते ना एकदम से ही मैं टोटली आउट ऑफ वो कहते हैं माइंड हो गया और मुझे समझ ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है क्योंकि जब आपके जॉइंट में सारे पूरी डिजीज ऐसी हो होकर जो पूरे के पूरे ज्वाइन इवन के शायद मैं पानी की बोतल भी नहीं उठा सकता था मरकरी पॉइजनिंग आपको थी, Mercury थी, Mercury, yes. आपको मरकरी मरकरी और फिर उसके बाद जब मैं ट्रीटमेंट करवाता रहा करवाता मुझे हर तरफ से आ, वो कहते ना कहते थे कि यार इस डिज़ीज़ का इलाज नहीं है आपको सारी ज़िंदगी इसी तरह ही अब रहना पड़ेगा वो एक टाइम मेरे लिए जो कह सकते हैं कि वो बड़ा एक हार्ड और बड़ा मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही मैं वो कहते ना शायद एक जिंदा लाश कह सकता हूँ हाँ और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब फाइनेशियली थोड़ा मेरे पे क्राइसिस आए और नो डाउट पीसीबी का हक बनता था और पीसीबी ने मेरी हेल्प की मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन सिर्फ वन मिलियन जो कि एक बहुत कुछ भी नहीं था बहुत, कुछ, इलाज भी नहीं, कुछ, भी नहीं, था आ, मुझे एक चीज़ का दुख हुआ था कि यार आप इस मुल्क के आ, एक चलो आ, मैं अपने मुँह से क्या कहना दुनिया भी मानती है कहती भी है मैं तो दुनिया से सुनता हूँ आप कह सकते हैं कि यार चलो एक अच्छा प्लेयर था और अच्छा एथलीट था मेरे ऊपर थोड़ा हार्ड वर्क किया जाता या मेरी डिजीट के ऊपर थोड़ा सीरियस लिया जाता तो शायद मैं वो थोड़ा कम टाइम लगता लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं और वो एक मेरा जो टाइम था ना मेरे ख़्याल है कि वो बहुत बुरा फिर जब मैं थोड़ा फिनेंशली क्योंकि मेरे पास जो भी मैंने कमाया जो जो चीज़ें मैंने बनाई वो सब कुछ मैंने बेचा वो इसलिए बेचा कि यार शायद मैं वापस क्रिकेट में आऊँगा और वापस आ जाएगा सब कुछ तो जब मेरे से सब दुनिया ने मुंह फेरा वो मेरे लिए बड़ा एक जो है ना हार्ड वो मुझे एक समझ ले बीमारी बे बीमारी कह सकते हैं आप वो तो बिल्कुल ही मैं कह सकता हूँ तब मैं मुझे फील हुआ कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे एक बिलीव था कि यार स्टार हूँ अब बहुत सारी दुनिया हेल्प करेगी आप, बहुत ज़्यादा वो मैं मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरी ज़िंदगी के इतने गंदे दिन शायद अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना लगाए और यू आर स्टार सुपरस्टार है हमारे इमरान भाई हमारे लिए हमेशा रहेंगे ऑनेस्टली ठीक है ना नहीं अरे ऑनेस्टली रोना नहीं, नहीं।, आ, नहीं है, आपने मेरा कुर्ता पहना हुआ खराब हो जाएगा प्लीज़ नहीं 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 यार आप लोगों की दुआएं हैं और और मुझे एक टाइम पे दुख ये हुआ था कि यार कोई ऐसा बंदा भी नहीं है यार जो मेरी हेल्प कर सके क्योंकि लास्ट एक ट्रीटमेंट थी उसमें मैं आज एक चीज़ बंदे का जरूर मेंशन करूँगा शाहिद अफरीदी दी शाहिद अफरीदी वो एक आधी जबान पे मेरे ख्याल में उसने मेरे लिए करोड़ों रुबा रुपया लैंड पे बचा दिया कि डॉक्टर बोलते कि पैसा कितना चाहिए इस बंदे को ठीक होना चाहिए बस और मैं 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 आज भी आ, शायद अफरीदी शायद भाई और शायद अफरीदी फाउंडेशन को यू और अल्लाह ताला आपको ऐसे काम हमेशा आप करते रहे क्योंकि मैं समझता हूँ आप जब ऐसी ऐसी फील्ड में होते ऐसी जगह पर वो आ जाते हैं तब आप जाहरी बात इंसान है इंसान ही इंसान के काम आता है तो मैं समझना ये एक दूसरे के काम आना चाहिए और ये ईद का दिन है दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन मैं समझता तो हूँ कुछ नहीं बिल्कुल मैं ये बड़ी हार्ड फीलिंग है लेकिन आज मैं समझता हूँ ये ड्रोना ख्वाब था जो गुजर गया लेकिन एंड ऑफ द डे थैंक्स टू अल्लाह अल्लाह ताला ने सही दी एक छोटी सी छोटी सी और जाते जाते ये आप सब यंगस्टर को और जो भी सुन रहे हैं कभी जिंदगी में हार मत मानना, कभी ना गिरना हमेशा अपने रब पे बिलीव रखना क्योंकि मैंने ये चीज़ काटी है और मैंने वो टाइम किस तरह काटा है ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता भे है।, भे है और एक ही मेरा पार्टनर मेरी वाइफ जो मेरे साथ मेरे लिए बहुत स्ट्रॉग रही है और मैं समझता था कि शायद अब आज नहीं कल नहीं आज नहीं किसी टाइम भी यू हैव टू गो और बिल्कुल ही मायूस हो गया था फिर कि यार नहीं मसी गुनाह है मैं समझता हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ मेरा अल्लाह पे बिलीव है और ये मैं स्ट्रॉन्ग रहा मेरे डॉक्टर गुआ है मैं जितने इंजेक्शन लगाए मेरे एक टाइम पे 24 24 इंजेक्शन लगवाए ज्वाइंट में और मेरे डॉक्टर मुझे कहते थे कि यार तेरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं मैंने देखा जितना तेरा सेल्फ़ बिलीव था ये अल्लाह की तरफ से और ये सारे जितने भी मेरे फैन हैं पब्लिक है और आप लोगों की वजह से दुआओं की वजह से आज मैं दोबारा इतना स्ट्रांग हूँ अलहमद और ये यंगस्टर के लिए मैं मिसाल हूँ यार मुझे कह रहा हूं, इंस्प्रेशन हूं। कभी लाइफ में हार महार मत मानना क्योंकि ये जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है आप कुछ नहीं कर सकते आप हमेशा अपने रब पे बिलीव रखे स्ट्रॉन्ग रहे, रहे। बस। और अच्छी बात ये इमरान भाई इतना कुछ होने के बावजूद मैंने आज पहली बार आपके मुंह से